जरा अंडरस्टैंड करने वाला है और समझने वाला टॉपिक है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लीडर क्या है। Who is the leader and what is leadership? हमारा लीडर कहते नहीं आप, हमारा लीडर कौन होगा? लीडर है ना, लीडर पर बात करते हैं आज। हर बंदे ने अपना अपना लीडर बनाया होगा। अब साहब आपके कौन सा लीडर है? कौन है प्रति अच्छा? फिर तो कोई भी नहीं होगा आपका लीडर। आप तो कौन सा लीडर? किसका मानते हैं आप साहब? ठीक है, क्या कौन होता है लीडर? लीडर लीडर तो सुनने है ना आपने सर, लीडर कौन होता है? जरा कॉमन सेंस से तरफ डालो। आपको आता है थोड़ा सा अल्फाज को जो है सुनियल करना? सर हमें कुछ स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं, लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज, वो जिस पर्सन में हो हम उसको अपना लीडर मानते हैं। जो अपने लोगों को साथ लेकर चले उसको लीडर कहते हैं, आगे रहनुमाई करें। ठीक है, वैसे एक दफा ऐसा हुआ पाकिस्तान में लीडरशिप की एग्जांपल पढ़ रहा था किसी कॉलेज में, तो रेवड़ जा रहा ना बेड़ों का, तो वो बेड़ों ना जिस तरह चलती है अपने ग्राम स्कूल से, तो पीछे बेचारी सुस्ती बेड़ रह गया, मतलब वो थकी हुई थी, वैसे भी काम चल रही थी, तो आप मतलब वो पीछे पीछे जा रही है, बाकी वो आगे जा रही है। ठीक है, काफ़ी आगे निकल गए जो ग्रुप था एक्टिव जो बदले, अब आगे से कोई बेड़िए पड़े हैं ना आगे, अब उन्होंने पीछे भागना शुरू कर दिया, और जो पीछे वाली भेड़ थी ना सबसे पीछे जो सुस्ती काम पे होती, अब वो सबसे आगे आ गई, साइड चेंज हो गई। अब जिधर वो जा रही है ना जान बचाने के लिए, सारे मतलब समझे उसको फॉलो कर रहे हैं। ये एक एग्जांपल है बक्सर में से। तो लीडर कौन होता है जी? बिल्कुल जो अपने साथियों के साथ ही कर सकता है। ठीक, और जरा पार्टिसिपेट किया करें कौन होता है, जरा सोच कर बताओ। किसका कोई विजन थी आइडियोलॉजी, फ्यूचर गोल डिफाइन कर। ठीक, तो वो लीडर होता है। लीडरशिप की क्वालिटी क्या होती है साथ लेकर चलना, वो क्वालिटी लीडर इज अ पर्सन, ये हमने की ना जगह पे, लीडर इज अ पर्सन हु शोज द वे, हु नोज द वे, शोज द वे एंड गोज द वे। ठीक है, लीडर एक ऐसा बंदा होता है जो Know the way, show the way, and ये सिंपल सी ये किसी की बनाई भी पता नहीं। जब हम तैयारी कर रहे थे ना, लीडर ऐसा बंदा होता है जो रास्ता जानता है, खुद पता है उसे रास्ता, फिर रास्ता दिखाता भी है और उस पर चल के भी दिखाता है। ठीक, मतलब लीडर कौन होगा जो रास्ते को जानता भी होगा, अपने साथियों के भी उस पर चढ़ाएगा और खुद भी चलेगा। ये नहीं कि मतलब किस तरह का, अक्सर ये है कि ये तो कर देती है, रास्ता जानते भी हैं, दिखाते भी हैं, लेकिन खुद फॉलो नहीं करते। लेकिन इसमें अगर आप देखें दुनिया के सबसे बड़े लीडर जो मानते हैं द 100 ग्रेट्स मैन, अब वो साथ ही गए थे ना किसी जगह में थे, तो वहाँ पे किसी ने कहा कि मैं पानी भर रहा हूँ, किसी ने कहा कि मैं गोश्त कहूँगा, किसी ने कहा तो आप सलम लीडर थे तो आपने कहा मैं मछलियाँ नहीं करा। इस तरह की जिम्मेदारियाँ खुद भी वो साथ काम कर रहे होते हैं, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप होती है। तो लीडरशिप क्या होता है कि लीड करना किसी को एडवांस, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट या रास्ता दिखाना, क्योंकि इसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना उसकी सारी जो कॉम्पिटेंसी या इफेक्टिवनेस डिपेंड कर रही होती है सुपरविजन और गाइडेंस पे कर रही होती है, जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो अगर मतलब इसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सुपरविजन और गाइडेंस ना हो ना, ये मैटर इज लॉट। तो सुपरविजन उसकी कौन कर रहा होता है और गाइड कौन कर रहा होता है? लीडर कर रहा होता है। ठीक है, और ये लीडरशिप इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट दैट डील विद द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ सबऑर्डिनेट्स।
जो आपके नीचे वाले होंगे उसको आपने लीड करना होगा। इसकी बड़े फिर बात करते हैं इसको क्वेश्चन पे। ये बड़े जरा लीडरशिप अथॉरिटी साइड निकली हुई आपके पास पढ़ी जी पेज नंबर 31 है। Next, they have to classify the authority according to the legitimacy of their power and uses three basic classifications. उसने leader को तीन classification में किया। उसके वैसे और भी types हैं, वो हम आसान सी भाषा वाले भी कर लेते हैं, लेकिन इसको जरा देख लें। Charismatic authority based on the sacred or outstanding characteristics of the individual. ये charismatic वो करिश्माती कहते हैं, करिश्माती अथॉरिटी। अगर किसी बंदे के अंदर खूबियां ऐसी कि आपका दिल करता है कि मैं स्पिरिचुअल आपके साथ बोलना, उसकी खूबी है बहादुरी है इसकी, ठीक है पहले जमाने में ऐसा था, ठीक है हॉनेस्टी ट्रूथफुलनेस ये उसके अंदर खूबियां, तो आपको दिल करता है कि इस बंदे को लीडर मान लिया। जिस तरह सिस्टमैटिक थर्टी में क्या कौन सी आती है, जिस तरह कायदे आदम आप लिख सकते हैं, कायदे आदम की खूबियां इतनी है, ठीक है कि बंदे का दिल करता है कि उनके अंदर वो एक पर्सनैलिटी ऐसी है कि बंदा का दिल करता है लीडर मान। फिर अगेन आप दरफाले भुट्टो को भी ऐड अप कर सकते हैं, मतलब नहीं वो थोड़ा कंट्रोवर्सी सा हो गया, ठीक है। ये आपकी पर्सनालिटी में खूबियां ऐसी होती हैं, करिश्माती पर्सनालिटी आपकी होती है कि आप उसको लीडर तस्लीम कर लेते हैं। सेकंड क्या है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी एसेंशियली अ रिस्पेक्ट फॉर कस्टम्स। अब ये हमारी अगर आप एरिया में देखें ट्रेडिशनल अथॉरिटी भी मिली है, जैसे हमारी मस्जिद का एक इमाम होता है ना, ठीक। अब चाहे करिश्माती खूबियाँ उसके अंदर नाम ही, लेकिन हमारी ट्रेडिशन में उसको रिस्पेक्ट दी हुई है, मामा सिर्फ को खतीब को एक रिस्पेक्ट है, तो उनको भी हम लीडर मान के उनके पीछे मतलब चल रहे हैं। यूके का मुनार बिल्कुल, मतलब इस तरह के जो लीडर होते हैं ना जिनको ट्रेडिशनल अथॉरिटी मिली हुई है, तो वो ये हो जाते हैं। फिर थर्ड मैक्स वेबर क्या कहता है, ट्रेडिशनल लीगल अथॉरिटी बेस्ड ऑन अ कोड और सेट ऑफ रूल्स। ये आपका होता सिविल सर्वेंट, उन्होंने लगा दिया एक एएसटी। ये आपकी है रैशनल, एएसपी के अंडर जो होगा ना इंस्पेक्टर या डीएसपी या जो भी, अब इसका ये ऑटोमेटिकली लीडर होगा, ये चाहे करिश्माटिक ना हो चाहे ट्रेडिशनल ना हो, अब इसके लीडर मान नहीं माना, ठीक है। जिस तरह एक मैनेजर है ना, मैनेजर उसके नीचे क्लर्क है या असिस्टेंट है, असिस्टेंट का ये है, इसका काम क्या है, क्या करेगा ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सुपरविजन और गाइडेंस, तो ये उसको लीडर मानेंगे मानेंगे, यानी क्रिएशन अथॉरिटी। आप जो आप किस में फॉलो कर रहे हैं, मैट्रिक्स में या ट्रेडिशनल में या रैशनल में, रैशनल लीगल अथॉरिटी ये आपको अपने ओहदे से मिलती है, ठीक है। एक कैप्टन है उसने पूरी कंपनी को कमांड करना है, तो ये वो आपका लीडर। नीचे लिखी हुई लीडरशिप की डेफिनेशन, लीडर की डेफिनेशन लिखी हुई। अ लीडर मे बी डिफाइंड एज अ पर्सन हु एस्टैब्लिशेस विजन, सेट्स गोल, मोटिवेट्स पीपल एंड ऑब्टेन्स देयर कमिटमेंट टू अचीव द गोल्स एंड रियलाइज द विजन। वेरी गुड, बिकॉज ये कदेवाल लिखी हुई है। ये क्या कहता है कि लीडर कौन होता है जो एक विजन रखता है, जिस तरह आपने भी बात विजन हो, फिर विजन के मतलब विजन क्या हो सकता है, एग्जाम्पल दिया आपको कि हमने पाकिस्तान में एशियन टाइगर बना, ठीक। ये उसका विजन है, उसके पास विजन आ गया। अब उसने सेट गोल, उसने गोल किए हैं कि ये विजन अचीव कैसे हो, हम लोगों का एजुकेट करेंगे, इकानमी लाएंगे, इंडस्ट्री को बेहतर करेंगे, ठीक है, और क्या काम करेंगे, फॉरन पॉलिसी को बेहतर करेंगे, ठीक है, फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लाएंगे। ये उसने सेट कर दिए गोल, इसने क्या सिर्फ विजन नहीं होना चाहिए, उसके पास गोल भी सेट होना चाहिए। फिर थर्ड पार्ट क्या है उसका, लोगों को मोटिवेट भी करें कि आप अपने काम कर रहे हैं, ठीक है। ये जरा अफसर उसको दिया गया, ये वो उसके ऊपर पानी भी दिया, दरवाजा बंद कर लिया, ठीक। आप तीसरी बात वो क्या कर रहे हैं, मोटिवेट पीपल, आप लोग उसकी बात मानेंगे ना, क्योंकि लीडरशिप का जो इंसार होता है वो किसके होता है, लोग उसकी बात को फॉलो भी करें ना, लीडरशिप तभी होगा ना। अब लीडर ने जलसा की कहा दीजिए लोग वहाँ पे आए ना, तो लीडरशिप किससे बातें करेगा, तो लोग उसके साथ होने चाहिए,
लोग को मोटिवेट करें उस काम और अपना जो अल्टीमेट विजन है वो अचीव करें, अचीव द गोल एंड देयर लाइफ द विजन, मतलब वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए, एशियन टाइगर बन जाए, थोड़ा बनकर समझ आ गई। लीडरशिप ये भी लिख सकते हैं आप, वो भी लिख सकते हैं कि पर्सन हु नो द वे शोस द वे एंड गोस द वे। सर अगर लोग उसको फॉलो ना करते हैं जबरदस्ती फॉलो करवाया जाए, जिस तरह से हम मैंने कल बहुत से ऐसे रिक्शा ड्राइवर देखे जो पेड थे और बहुत दिल से जा रहे थे। तो ये वैल्यू फॉर मनी है, मतलब ये तो आप कैसे नहीं, पाकिस्तान में तो ये नहीं, पाकिस्तान में अगर हम पढ़ेंगे ना लीडरशिप की क्वालिटी, आगे क्वालिटी आ रही है तो आप पता चल जाएगा कि ये लीडरशिप है या लीडरशिप है क्या है। अच्छा आगे जी लीडरशिप क्या है, द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग द टास्क रिलेटेड एक्टिविटी ऑफ ग्रुप मेंबर्स। इसमें देखें उसमें बाकी इन्फ्लुएंसिंग, अब इन्फ्लुएंस आप पर्सनलिटी से भी कर सकते हैं, पैसे से भी कर सकते हैं, पैसे से भी इन्फ्लुएंस लोग होते हैं, अट्रैक्ट करती है उसको, ठीक है। तो लीडरशिप एक प्रोसेस है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है और इन्फ्लुएंस करता है कि आपने ये काम मोटिवेट करें। अब रक्षे वाले को उसने डायरेक्शन भी दे दी और इन्फ्लुएंस भी कर दिया कि कोई टास्क क्या है वो आपने करना, ठीक है, ये लीडरशिप है। लेकिन इसको आप सिंपली भी कर सकते हैं, लीडरशिप टू एडवांस अ लीड अच्छा इसमें आगे ना टाइप्स ऑफ लीडरशिप पढ़ते हैं हम, वैसे एग्जांपल के तौर पर ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखी हुई है, डॉक्टर सुल्तान अहमद ने अपनी बुक में लिखी हुई है टाइप्स ऑफ लीडरशिप। इधर से भी पढ़ते हैं, इधर तो मेजरमेंट की पावर है, टाइप नहीं है, टाइप्स पढ़ते हैं लीडरशिप की, टाइप्स क्या होती है ये उनकी पावर के बारे में लिखा हुआ है। अच्छा पहले पहले जो लीडरशिप की टाइप होती है ना वो है ऑटोक्रेटिक लीडर। फर्स्ट टाइप के लीडर होते हैं वो कौन से होते हैं, डिक्टेटरशिप टाइप चीज होती है इसमें। फर्स्ट टाइप्स ऑफ लीडरशिप में आप क्या लिखेंगे, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, ये क्या होती है, इसमें ये हो रहा होता है ये ए है ये बी है, फॉर एग्जाम्पल ये सी भी है, तो ये ऊपर से लाइन आ रही है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है, अब वो इसमें लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं होती, एक वन मैन जो होता है वो डिसाइड कर रहा है, मतलब ऑटोक्रेटिक लीडर जो होती है मेक मोर डिसीजन देमसेल्फ इंस्टेड ऑफ अलोइंग देयर फॉलोअर टू मेक देम, मतलब वो फॉलोअर की जो पार्टिसिपेशन होती है वो नहीं होती उसमें। इस तरह मुशर्रफ था, अब जहाँ थे इन्होंने अफगानिस्तान से वॉर पे, तो सिंगल मैन डिसीजन था, उसने कहा यस ओके ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, दे गिव ऑर्डर व्हिच आर ओबेड बाय देयर फॉलोअर, वो जस्ट क्या करते हैं ऑर्डर देते हैं और उनके जो फॉलोअर होते हैं वो कहते हैं यस सर, बस ये होती है लीडरशिप। मतलब बीच एंड एवरीथिंग होता है वहीं करते हैं, जिस तरह अक्सर आप देखें मिलिट्री वाले जो लीडरशिप होती है मिलिट्री ड्रिल जो होती है ट्रेनिंग में, तो इसके एग्जांपल में लिख सकते हैं कि मिलिट्री लीडरशिप सच करना पड़ता है। इसका फायदा भी होता है नुकसान भी होता है, फायदा क्या होता है डिले चीजें नहीं होती। वैसे सबसे मशवरा कर रहा हूँ, आप लोग भी जब बैठे हुए थे आपसे मशवरा कर रहा हूँ कि आज मतलब तो क्या क्या मंगवाएं आज के बर्थडे, सब अपना अपनी बातें करेंगे उनसे पूछ लो, नहीं मुझे तो मैं तो सब खा लूँ जो भी, इस तरह आपका जो डिसीजन है सबसे पूछेंगे ना, कोई अपने कहेगा कोई कहेगा नहीं ये नहीं करना, कोई कहेगा ये नहीं करना, अक्सर हमारा ये इशू होता है तो चीज़ें डिले हो जाती हैं, आपस में मशवरा करते हैं। इसका फायदा ये होता है कि एक बंदे ने डिसाइड करना होता है और क्विक प्रोसेस होता है, आपकी चीज़ें जो है जल्दी होना शुरू हो जाती है। फिर इसका नुकसान क्या होता है, एक बंदे ये सारे फैसले वहीं करी जा रहे हैं, इसका क्या हुआ लॉस, क्या हुआ मतलब इसमें आप बाकी लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, इंपोज करने में इंपोज कर, और इसमें लोग में डिसटिस्फेक्शन आ जाएगा कि वो सेटिस्फाइड नहीं रहे, ठीक है। फिर इनिशिएटिव जो फॉलोअर हैं वो इनिशिएटिव लेने की उनकी पावर खत्म हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने तो यस सारी करना है तो इनिशिएटिव क्या लेंगे। ये है आपका मतलब उनके अंदर हॉस्टिलिटी एग्रेशन वगैरह फॉरवर्ड के अंदर आ जाता है, तो वो जबरदस्ती बोझ करने वाली बात होती है।
ऑटो इसके बाद सेकंड जो होता है वो होता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक नाम से आपको आइडिया है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। सेकंड टाइप इसकी क्या है, इसमें ये समझो ऊपर से जा रहा है ना नीचे, तो ये नीचे से भी बात सुन रहा है ये, ठीक है, मतलब ये ए बी सी को पार्टिसिपेट भी कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, दे इन्वॉल्व देयर फॉलोअर एंड अलाउ देम टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है, जिसमें वो अपने फॉलोअर को भी आप कहते हैं कि आए पार्टिसिपेट कर डिसीजन मेकिंग। द यूज ऑफ ग्रुप इन्वॉल्वमेंट इसमें होती है, सेटिंग द ग्रुप बेसिक ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या करता है जो लीडर, वो बुलाता है सबकी मीटिंग बुलाता है, कहता है जी अपना अपना आप आइडिया शेयर करें, हम ये काम करना जा रहे हैं, आप अपनी अपनी बात भी इसमें शेयर करें, ठीक है। फिर जो भी ऊपर से इंस्ट्रक्शन आ रही होती है या जो भी काम करना होता है वो उनको अपने इतमाद मिलता है कॉन्फिडेंस में, ये इन्फॉर्म करते हैं और ट्रू इन्फॉर्म करते हैं। ये हमारी जो होती है डेमोक्रेटिक लीडरशिप, इसमें सच्ची नीचे वाले वो बात को सिर्फ बात नहीं बताते, ठीक है। लेकिन जो असल लीडर है वो क्या करते हैं, कीप सबॉर्डिनेट इन्फॉर्म्ड ऑफ ट्रू सिचुएशन गुड और बैड। वो सच सही बताता है कि हमारे मुल्क के ऊपर इतना कर्जा है, कोई 50 लाख घर नहीं बनने, कोई 1 करोड़ नौकरियां नहीं होने, ठीक है, ये बड़े मसले हैं, ठीक है, और इस तरह इतना कर्जा है हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे इतनी लोगों की एजुकेशन। ये नहीं कहता कि इंशाल्लाह मुझे वोट दे तो मैं नेक्स्ट इलेक्शन में आपका ये कर दूंगा वो कर, मतलब वो, और ये यकीन माने तुर्की में देखा लोग वो सच जाके बताते हैं कि हमारे मुल्क में ये मसला होगा, ठीक है, ये लोग कॉपरेट करते हैं। ये हमारे जो लीडर हैं डेमोक्रेटिक में, ये लोग सच्ची बात बताते ही नहीं। अभी कन्फ्यूजन में है ना, अभी किसी को पता ही नहीं इलेक्शन कब होना है, कन्फ्यूजन का शिकार है सारे, अभी किसी को पता ही नहीं मतलब नेक्स्ट मूव क्या है, मतलब पार्टिसिपेटर नहीं है, हालांकि कहने को तो डेमोक्रेसी है ना, लेकिन वो चीज़ें नहीं कर रही, ठीक है। फिर क्या करता है, ये जब इनपुट देते हैं तो वो थोड़ा सा अपने मुताबिक मोल्ड आउट कर देते हैं, फिर चीज़ें भी अप्रोचेबल चीज़ें उसको फॉलो करते हैं सारे, ठीक है। फिर एक थर्ड चीज़ है लेजी फेयर लीडरशिप, ठीक है, ये है ओके, ये क्या ओके। थर्ड टाइप ऑफ लीडरशिप क्या है, ये क्या है स्पेलिंग इसके, लीडरशिप या लीडर। ये लीडर कहते हैं कि हमें ना ये उनको सुपरविजन नहीं करते उस तरह से, उन्हें गाइड करते हैं और कह देते हैं कि हमें ये काम चाहिए, ठीक है, मतलब उन्हें काम से कर देते हैं, सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं और कंट्रोल उनके हाथ में देते हैं कि जिस तरह मर्जी आप करें, ठीक है। दे आर ये जो लूज एंड परमिसिव एंड लेट देयर फॉलोअर डू बेसिकली व्हाट दे वांट, ये क्या करते हैं अपने फॉलोअर को जल देते हैं बेसिकली व्हाट डू व्हाट दे वांट, जो मर्जी करे। इसमें इसकी जो होती है ना इन्वॉल्वमेंट वो कम होती है, ये उन्हें प्रोवाइड करता है मटीरियल, प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन और जो अवेलेबल चीजें चाहिए होती है ना उन्हें वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल है कई कंट्री में, अर्ली अमेरिका में जो रिपब्लिकन दौर था उसमें लेजिस्लेटिव पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी कि जो इंडस्ट्री के ऊपर जो कंट्रोल उन्होंने हुकूमत ने रखा था उन्होंने ये कोट कर सकते हैं यूएसए यूके में भी सेम ऐसी बात, मतलब उन्हें इंडिविजुअल को फ्रीडम देते हैं कि आप जिस तरह मर्जी काम करें लेस उसका कंट्रोल होता है। इसका नुकसान भी होता है, लोग मठे हो जाते हैं जब ऊपर से गाइड नहीं कर रहा होता, वो पढ़ी थी ना रिएक्शन वाली कि लोग मतलब लेजी होते हैं, तो वो इसका लॉस यही होता है। बाकी ये अगर मोटिवेट अगर टीम आपकी एक्टिव हो ना टेक्निकल हो तो वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन अगर लोग अपने टेक्निकल नहीं आए एक्टिव हुए तो फिर उनको सुपरविजन करनी पड़ती है। फिर फोर्थ जो टाइप है वो है टास्क ओरिएंटेड या प्रोडक्शन ओरिएंटेड, ये परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड देखती है, प्लानिंग पे फोकस करते हैं, स्केड्यूल पे फोकस करते हैं, क्वालिटी पे फोकस करते हैं कि हमें काम चाहिए काम, सुपरविजन भी कार्य होते हैं और समझे कि इसमें ह्यूमन एलिमेंट जो कम होते हैं।
इसमें वो सख्त जो ना करप्ट लीडर वो कहते हैं कि हमें बस काम से मतलब है, चाहे दे दो दिन लगे तीन दिन लगे, कुछ जस्ट नीड क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड और लास्टली जो टाइप है वो है पीपल ओरिएंटेड लीडर। ये अपने फैलोअर की वेलफेयर और वेलबींग का ख्याल रखते हैं, इसमें वेलफेयर वाला नहीं है टास्क ओरिएंटेड, वो कहते हैं बस हमें काम चाहिए। पीपल ओरिएंटेड, पीपल ओरिएंटेड का मतलब क्या हो कि अपने एम्प्लॉइज की वेलफेयर का उसका एहसास करे, काम जितना कर सकते उतने करो। एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस तेरी बात होगी, लेकिन वो फॉलोअर की कंफर्ट का भी ध्यान रखेगी, इससे कोई परेशानी तो नहीं आ रही। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, तो बताएंगे एग्जांपल वो भी है आजकल के दौर में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है जो वेलफेयर के तौर पर काम कर रही है। एडी साहब भी है, नहीं नहीं वो इस तरह नहीं, मतलब एक ऊपर लीडर है वो लोगों को कह रहा है कि इनका है सोशल सिक्योरिटी सिस्टम पाकिस्तान जेडीसी, जेडीसी सॉरी जेडीसी कराची की ऑर्गेनाइजेशन है जो एक ही ज़ाहरा का पहले देख लेते हैं। आगे इसकी थ्योरीज हैं, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, वैसे एंड पे लिखी हुई है ना, ये एंड वाला पेज आप स्लाइड करें ना, आगे लास्ट इसका है ये लीडरशिप वाला ना लास्ट पेज, थ्योरी ऑफ लीडरशिप। इसमें दो आपने करनी है, एक पर्सनालिटी ट्रेट थ्योरी और एक बिहेवियर थ्योरी। बिहेवियर थ्योरी आपने की हुई है बस, पर्सनालिटी ट्रेट थ्योरी ये दी थी स्टॉक गेम में, एक इनकी थ्योरी है पर्सनालिटी ट्रेट थ्योरी। पर्सनालिटी ट्रेट थ्योरी देने वाले कौन है, स्टॉक गेम इन्होंने दी थी। ये जो ट्रेट थ्योरी है ना पर्सनालिटी ट्रेट थ्योरी की, फोकस करती है इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल लीडर, कि एक जो लीडर है उसे किस बना पर लीडर बनाना चाहिए। ठीक है, उस टाबिल कहता है कि ये जो कामयाब लीडर है ना उनके अंदर आपने कुछ ट्रेट्स देखने हैं, कुछ खूबियां देखनी हैं आपने उनको लीडर बनाने से पहले। वो फिर कुछ खूबियां बताता है, कोई छः सात पाँच छः खूबियां बताता है कि ये खूबियां लीडर में देखें अगर हैं तो आप उसको ट्रेट उसकी पर्सनालिटी के बिना पर जज करें उसको लीडर बना दें। पहली वो क्या कहता है कि क्वालिटी ऑफ लीडरशिप को क्या होनी चाहिए, वो कहता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। जब भी आपने किसी को लीडर बनाना है तो उस पर क्या देखें, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में क्या है उसकी एज देखें। 70 साल के बंदे को तो नहीं आप लोग, हालांकि अमेरिका में 78 है उसकी जो बात, लेकिन वो कहते हैं एज मैटर करती है। फिर उसकी अपेयरेंस मैटर करती है, हाइट वेट मतलब अदर चीज़ें हैं जो आपकी फिजिकल जो करेक्टरिस्टिक है उसमें मैटर करती है। और ये आपको पता है कि लीडरशिप में मैटर करती है, वेट भी हाइट भी। ठीक है, आप एक लीडर का वेट इतना बड़ा हुआ और ठीक है तो कैसे लीड करेगा। फिर कहता है जब आपने लीडर बनाना है किसी बंदे को उसका सोशल बैकग्राउंड भी, क्या उसका मतलब सोशल स्टेटस भी है कोई जो सर्व करने जा रहा है, ठीक है माशरे में कौन काम। फिर सोशल मोबिलिटी देखिए, क्या वो लीडरशिप क्वालिटीज के अंदर जजमेंट करते हैं जिस एरिया में वो रह रहा है। ठीक है, वो बंद कर देना रिकॉर्डिंग, जिस एरिया में रह रहा है।